कमलनाथ ने कहा कि इंडियन कोरोना, भारतीय कोरोना, कुछ लोग इंडियन वेरिएंट कहते थे, ये तो इंडियन कोरोना कह रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा, यहां रुके नहीं, उन्होंने कहा हमारी पहचान मेरा भारत कोविड। इस तरह का आज उनका बयान घूम रहा है और उसका आज तक अभी तक कोई उन्होंने इनकार नहीं किया है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। और ऐसे ही अनेक बयान कांग्रेस नेता दे रहे, अनेक नेताओं ने कहा ये इंडियन वेरिएंट है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया कि किसी देश का नाम नहीं दिया है किसी वेरिएंट को, सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ब्लैक फंगस के दवाओं का भारत सरकार पहले ही सक्रिय होकर दुनिया से भी मंगाए, और उससे ज़्यादा आज कितने वैक्सीन हर स्टेट को दे रहे, 9000 लगभग पेशेंट है, तो उनको सफिशिएंट वैक्सीन्स पहुंचा दिए जा रहे हैं। पहले भी जब कोवैक्सीन वैक्सीन का आगाज हुआ, शोध हुआ भारत में, तो उस पर आशंकाएं पैदा की, उसको बीजेपी वैक्सीन कहा गया। अब ये नया शगुबा सबसे ज्यादा अच्छा कारगर तो कोवैक्सीन साबित हुआ, लोगों ने ले लिया, तो अब इन्होंने एक नया शगुबा छोड़ा है कि ट्रैवल बैन आएगा कोवैक्सीन के, क्योंकि वो दुनिया के सूची में नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ने ऐसा कोई निर्णय ही नहीं लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा निर्णय ही नहीं लिया है। तो ये कांग्रेस के बयान क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देश का तो अपमान है ही, लेकिन देश की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर कर रहे, लोगों में डर पैदा कर रहे, भ्रम पैदा कर रहे। ये जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस अब नकारा राजनीति पे उतर आई है। सोनिया जी बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है? और आज कमलनाथ ने जो कहा, इसके आपने अभी तक भर्त्सना क्यों नहीं की?